लेटेस्ट सैमसंग को हार्ड रीसेट करने के लिए वॉल्यूम अप, होम और पावर की को दबाए रखें और छोड़कर दोबारा फिर से दबाएं। आप देख रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम को किस तरह हार्ड रीसेट करेंगे। और ये लीजिए, आप रिकवरी में जा चुके हैं। वॉल्यूम अप और पावर दबाने से रिकवरी के अंदर एंटर हुए। वॉल्यूम डाउन के साथ नीचे आइए और पावर की साथ कंफर्म कीजिए। वॉल्यूम डाउन के साथ नीचे और पावर की मदद से कंफर्म। वाइपिंग डाटा, फॉर्मेटिंग डाटा और रिबूट करने के लिए एक बार फिर से आप पावर का बटन दबा दीजिए। आप देख सकेंगे कि सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम को किस तरह हार्ड रीसेट करेंगे और उसके बाद इसका गूगल वेरिफिकेशन कोड बगैर सिस्टम, बगैर OTG, सिर्फ वाईफाई के साथ कैसे हम बाईपास करेंगे। स्टार्ट, अपना वाईफाई लगाइए, कोई भी वाईफाई, जैसा कि आप बुराक के साथ मैंने कनेक्ट किया। इसको नेक्स्ट कीजिए, फिर से नेक्स्ट कीजिए, एग्री, चेकिंग कनेक्शन, चेकिंग इंफॉर्मेशन। और ये देखिए, दिस डिवाइस वॉज रीसेट टू कंटिन्यू साइन इन विद द गूगल अकाउंट दैट वॉज प्रीवियसली सिंक्ड ऑन दिस डिवाइस। आप आगे नहीं जा सकते, लिहाजा पीछे आइए, फिर से वापस आइए और वेलकम पेज पे आने के बाद अपनी दो फिंगर्स को, आपका वाईफाई कनेक्ट है, दो फिंगर को आप दबाए रखें जब तक आपके सामने टॉक बैक ऑप्शन एक्टिव नहीं हो जाती। कीप ऑन पुशिंग और ये देखिए, आपकी टॉक बैक ऑप्शन आपको सुनाई दे रही है। अब आप यहाँ पे एल स्वाइप कीजिए। यहाँ पर एल स्वाइप किया तो ये सेटिंग आ गई। यहाँ पे चले जाइए टेक्स्ट टू स्पीच। टेक्स्ट टू स्पीच में जाने के बाद आप टॉक बैक को ऑफ कर दीजिए, वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम आपको दबाए रखें और यहाँ पर सस्पेंड कर दीजिए। इसको वापस आइए, ऊपर से फिर वापस आइए, फिर से वापस आइए और ये देखिए, आप अपने मोबाइल की सेटिंग में हैं। अबाउट फोन में जाइए और ये देखिए, सैमसंग ग्रैंड प्राइम प्लस सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में 6.01 एंड्रॉयड वर्जन है। खास बात इसमें सिक्योरिटी लेवल है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल है 1 जनवरी 2017। तो चलिए, इसके बाद हम आपके सामने इसको बाईपास करेंगे। वापस आइए, इस लीगल इंफॉर्मेशन में चले जाइए, ओपन सोर्स लाइसेंस और यहाँ पर किसी भी स्टेटमेंट को आप ओपन कीजिए और किसी भी वर्ड को दबाए रखें। ये देखिए, जब आपने दबाया किसी वर्ड को, राइट साइड पे 3 डॉट्स को क्लिक कीजिए और असिस्ट को दबा दीजिए। जब आपने असिस्ट को दबाया तो आप रिडायरेक्ट हो गए हैं गूगल की तरफ। नो थैंक्स कीजिए और यहाँ पे आप क्रोम को ओपन करने के लिए आप लिखेंगे सी और इस क्रोम को ओपन कर लीजिए। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, नो थैंक्स और इस सर्च बार में आप लिखेंगे क्विक शॉर्टकट मेकर APK, इसको आप क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन हो और क्विक शॉर्टकट मेकर 2.4.0 बाय APK मिरर को क्लिक कर दीजिए। स्क्रॉल डाउन हो और इस डाउनलोड APK को दबा दीजिए। योर डाउनलोड इज स्टार्टिंग, जस्ट वेट अ बिट, अपडेट परमिशन, अलाउ और ओके दबा दीजिए। ये देखिए, क्विक शॉर्टकट मेकर आपके मोबाइल में डाउनलोड हो रहा है। कुछ लम्हे इंतज़ार कीजिए, फिर से वापस आइए और इसी सर्च बार में आप लिखेंगे गूगल अकाउंट मैनेजर और इसको क्लिक कर दीजिए।
आपके सामने गूगल अकाउंट मैनेजर बाय एपीके मिरर है, इसमें चले जाइए। स्क्रॉल डाउन हो और यहाँ पे सारे वर्जन आपके सामने हैं। आप अपने मोबाइल के रिलेटेड जो वर्जन चाह रहे हैं उसको डाउनलोड कर लीजिए। जैसा कि 601 के लिए मैं 6.0.1 डाउनलोड करने जा रहा हूँ। डाउनलोड करने के लिए क्लिक किया, और इस डाउनलोड एपीके को दबा दीजिए। उसी तरह योर डाउनलोड इज स्टार्टिंग। ओके दबा दीजिए और ये देखिए डाउनलोडिंग। अब आप यहाँ पे कुछ लम्हे वेट करेंगे ताकि अच्छे तरीके से डाउनलोड हो जाए। उसके बाद आप वापस आइए, फिर से वापस आइए और स्टार्ट में आकर एक बार फिर से आप असिस्ट में चले जाइए और इस गूगल सर्च बार में आप लिखेंगे माय फाइल्स, इसको क्लिक किया और यहाँ पर आप डाउनलोड में चले जाइए। ये आपके सामने गूगल अकाउंट मैनेजर है, इसको आप इंस्टॉल कर दीजिए। अननोन सर्विस को एनेबल कीजिए और गूगल अकाउंट मैनेजर को इंस्टॉल कर लीजिए। डन किया। इसी तरह क्विक शॉर्टकट मेकर को भी अननोन सोर्स एनेबल करने के बाद इंस्टॉल कर लीजिए। क्विक शॉर्टकट मेकर इज इंस्टॉलिंग इन योर डिवाइस, ओपन दबा दीजिए और सिंपली यहाँ पे आप लिखेंगे सर्च बार में गूगल अकाउंट मैनेजर। गूगल अकाउंट मैनेजर और यहाँ पे टाइप ईमेल एंड पासवर्ड को क्लिक करें, ट्राई के बटन को दबाएं और राइट साइड पे थ्री डॉट्स को क्लिक करने के बाद ब्रो साइन इन करें और ओके दबा दीजिए। और आप यहाँ पर किसी भी अकाउंट के साथ लॉग इन हो सकते हैं, जैसा कि मैं अपने अकाउंट अलबुरा के साथ लॉग इन होने जा रहा हूँ। नेक्स्ट किया, अपना पासवर्ड दिया और साइन इन दबा दिया। साइनिंग इन, और यहाँ पर पावर बटन की वजह से अपने सेट को रिस्टार्ट कीजिए और इंजॉय कीजिए। आपका मोबाइल गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम प्लस बगैर पीसी के, बगैर ओटीजी के, सिर्फ वाईफाई की मदद से कम्प्लीटली तौर पे हार्ड रीसेट होने के बाद FRP बाईपास भी हो चुका है। टॉकबैक को सस्पेंड करने के लिए आप वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम अप दबाएंगे। टॉकबैक सस्पेंड हो गया, स्टार्ट कीजिए। ऑलरेडी कनेक्टेड, नो नीड टू कनेक्ट इट अगेन। नेक्स्ट किया, और ये देखिए अकाउंट ऐड हो चुका जो कुछ लम्हे पहले आपने दिया। नेक्स्ट किया, डोंट रिस्टोर, स्किप स्किप और फाइनली एग्री करने के बाद Not now. और फाइनली फिनिश। ये देखिए आपका ग्रैंड प्राइम प्लस सिक्योरिटी पैच लेवल भी आपको पहले दिखा दिया, एक बार फिर से आप देखते हैं। G532F मॉडल सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में आपके सामने है 6.0.1 और सिक्योरिटी पैच लेवल 1st जनवरी 2017।